the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so agar your sense of smell chala agar you pao uski smell uski fragrance पार्शियली लॉस हो जाए या टोटल लॉस हो जाए या कोई अजीब ही स्मेल आ रही है दूसरों को अच्छी स्मेल आ रही है आपको बदबू आ रही है या दूसरों को बदबू आ रही है आपको अच्छी स्मेल आ रही है अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है तो इसको बोलते हैं स्मेल इम्पैड इम्पैड स्मेल इम्पैड स्मेल मतलब सी अगर स्मेल लॉस हो जाती है तो दो वो अलग चीज़ हो गया एक इम्पेड हो जाए वो भी वो भी ऑलमोस्ट एक आसपास हो गया दोनों को कवर करेंगे आज दोनों समझाएंगे सो द लॉस ऑफ स्मेल कैन ऑकर विथ मैनी कंडीशन जब अगर तो ऐसा हो कि आपके नाक के पीछे ऊपर साइड में नोज के अप साइड में स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं राइट अगर इस स्मेल रिसेप्टर तक हवा ही ना पहुंच पाए मान लीजिए नाक ब्लॉक हो गया और एक छोटा सा हिस्सा है जहां से या आप मुंह से सांस ले रहे हो नाक पूरा बंद है तो आपको कोई स्मेल नहीं आएगी कोई स्मेल नहीं आएगी इसलिए आप जब कई बार बोलते हैं यार नाक बंद करके पी ले नाक बंद करके पी ले <laughs> वो इसलिए बोलते हैं कि नाक बंद कर देने से आपकी नाक की जो जो आपका अगर कोई कड़वी चीज़ पी रहे हो कोई ऐसी पी रही हो उसके स्मेल से ही आधा आपका सेंसेशन होता है सो व्हेन यू टेस्ट समथिंग यू स्मेल इट आल्सो एंड उसका जो पूरा औरा आता है जो एरोमा आता है वो स्मेल प्लस टेस्ट होता है तो so अगर आप स्मेल गायब कर देंगे तो टेस्ट आप थोड़ा सा उसको टॉलरेट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इसलिए नाक बंद करके पी लें राइट सो so, नाक के ऊपर होता है स्मेल रिसेप्टर और नाक बंद है स्मेल नहीं आएगी लॉस ऑफ स्मेल इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम सो डोंट वरी अबाउट इट बट इट कैन बी अ साइन ऑफ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है यानी कि ब्रेन में कहा कि अल्टीमेटली ये सेंसेशन ब्रेन में ही जाने तो या तो नाक बंद है या तो कुछ नहीं बंद है तो हो सकता है सेंसेशन ब्रेन में जाते हुए कहीं कट हो गया टेम्प्ररी लॉस हो जाए तो वो कॉमन है हर एक का होता है किसी को भी कोल्ड है नेजल एलर्जी है फीवर है है वायरल इलनेस कोरोना है टेम्परे लॉस हो जाएगा जो कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में या कुछ कुछ ज्यादा हफ्तों में वापस आ जाएगा जरूर आ जाएगा सम कुछ सेंस का जो आपका स्मेल uh, उम्र के साथ भी लॉस होता है उम्र के साथ भी आपका लॉस होता है बट इसका कोई स्पेशल कॉज नहीं है ट्रीटमेंट है तो सिंपल होता है कि उम्र के साथ हमारे जो न्यूरॉन्स हैं थोड़े थोड़े से उनके अंदर डैमेज होने लग जाता है तो दैट के दे कैन गेट लॉस सेंस ऑफ स्मेल जो है लाइक आई सेड दे एनहांस योर एबिलिटी टू टेस्ट सो जिनकी स्मेल में गड़बड़ आएगी उनके टेस्ट में भी गड़बड़ आ जाती है तो कई बार लोगों को ये नहीं समझ आता कि स्मेल में प्रॉब्लम बोलते टेस्ट में प्रॉब्लम है तो जो बोलता है टेस्ट में प्रॉब्लम है उससे हम पूछ सकते हैं कि आपको स्मेल में प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में चेक कराया कि नहीं करा सो दिस कैन बी देयर कई बार दोनों साथ में होते हैं और ये जो प्रॉब्लम आता है कई बार सॉल्टी स्वीट या सोर बिटर टेस्ट के ऊपर आता है और वो सिर्फ उतना नहीं लगता जॉल्टी उतना टेस्टी नहीं लगता जितना पहले लगना और कई बार लोग फ्लेवर्स के अंदर का डिफरेंस नहीं बता पाते स्पाइसेस में जैसे ये पेपर है ये ये है ये वो है सो दिस कैन एक्चुअली बी देयर इवन कुछ चीजें जो है आपके ये नर्व्स पे अफेक्ट कर सकती हैं उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है सो यू कैन एक्चुअली हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ये बेसिकली मतलब हो रहा है कि आपके मुंह के अंदर फेस के अंदर मुंह के अंदर जो नर्व्स हैं वहां प्रॉब्लम आ रही है नाक के अंदर जो नर्व्स हैं वहां प्रॉब्लम आ रही है सो so, <coughs> आपको हो सकता है कि स्मेल नहीं आ रही है लेकिन आपको फेस पे अजीब सेंसेशन आने लग गया बिकॉज ऑफ दैट दैट कैन बी दे सो लेट्स सी स्मेल जाने के लॉस ऑफ स्मेल के क्या क्या कारण होते हैं लॉस ऑफ स्मेल के हमने आपको इन्फेक्शंस एक तो नोज ब्लॉकेज वाला एक कारण बता दिया तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है एलर्जीज के वजह से हो सकता है नेजल पॉलिप के वजह से होता है नाक का सेप्टम बहुत ज़्यादा डेविएटेड है उसके वजह से हो सकता है नाक में कोई ट्यूमर है उसके वजह से हो सकता है का, कोई चोट लग जाए साइनस सर्जरी नेजल ने नाक में मुक्का मार दिया चोट लग जाए हेड इंजरी उसके वजह से हो सकता है हेड नेक फेस पे कोई रेडिएशन की थेरेपी हुआ हो कोई एंडोक्राइन uh, डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से ऐसे हॉर्मोन्स आ रहे हैं हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे हैं उसके वजह से हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है और आपका हो सकता है कुछ दवाओं के वजह से कौन सी दवा अगर आप uh, जैसे कि ऐसी दवाएं होती हैं जो ओडर सेंस को डिक्रीज या इंक्रीज uh, भी कर सकती हैं ना डिक्रीज़ ज़्यादातर करती हैं डिटेक्ट करने का जैसे ईस्ट्रोजन एम्फिटामीस बाकी लॉन्ग टर्म नेजल डिकन्जेस्टेंट ओट्रीविन बहुत बार लेते रहना लेते रहना रेजिसरपिन कोई भी जिंक बेस्ड प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक लेने से भी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा सो दैट इज़ देयर सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है सेंस ऑफ स्मेल कम लग रहा है सो so, चिंता करने की को कोई बात नहीं आपको करना क्या है पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है एलर्जी है इन्फेक्शन है नाक बंद है तो घर में एंटी हिस्टामिन ले लो एलर्जीज कम हो जाएंगी मेडिसिन अगर Uh, कोई भी सर्दी खांसी वायरल फीवर की आपने सिंपल होम मैनेजमेंट करना जो हमने कई बार कई वीडियो में बताया अगर आप दवा ले रहे हो कोई और दवा से हो रहा है ओटरीबिन ले रहे हो रिसर्पिन ले रहे हो ईस्ट्रोजन ले रहे हो एम्फिटामिन ले रहे हो ट्राइफ्लू पैराजीन ले रहे हो नेफ्लाजोलिन ले रहे हो इनसे हो सकता है तो इन सबको फिर चेंज करो इनकी मेडिसिन को चेंज करवाना पड़ेगा आपको अपने डॉक्टर से ई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से बात करो अगर आप Uh, कोई मान लो ब्लॉकेज है नेजल पॉलिप है ट्यूमर है डिविएटेड नेजल सेप्टम है तो छोटा मोटा करेक्टिव सर्जरी हो जाती है ठीक हो जाती है और कोई बीमारी निकल के आती है कि एंडोक्राइन बीमारी है जी या कोई मान लो न्यूरोलॉजिकल डेमेंशिया है उम्र बहुत हो गई है जी तो उसके लिए उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं ये ट्रीटमेंट हुआ अगर आपका नाक को अपने बहुत बार नेजल डिकनजेस्टेड ले लिया है बहुत बार बहुत बार ले लिया है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज योर टेस्ट प्रॉब्लम और उस केस में आप उसको शिफ्ट कर सकते हो सैलाइन लेजल ड्रॉप से आदत पड़ चुकी है तो इंस्टेड ऑफ ओट्रीविन और आ, इसके दवाई वाले मेडिकेटेड नेजल स्प्रे की जगह आप ले सकते हैं नॉर्मल सलाइन 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 नेजल ड्रॉप्स या आप सिंपल जल नीति कर सकते हो दिस इज इन ऑलमोस्ट जल नीति थोड़ा ज़्यादा क्लीन कर देगा सलाइन नेजल ड्रॉप्स यू कैन पुट एज मच एज यू वांट सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूव योर सेफ्टी एट होम ताकि अगर आपको ऐसा कुछ मान लीजिए अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल गायब हो गया और आप अकेले रहते हो तो घर में आग लगी है आपको पता नहीं चलेगा घर में कुछ हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चूहा मरा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा सो तो आप मेन तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो है उसके ऊपर स्मोक डिटेक्टर लगा लो फायर डिटेक्टर लगा लो ये सब बहुत ज़रूरी है अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल बहुत दिनों के लिए जा रहा है तो और <clears throat> अगर कोई गैस फ्यूम है तो कोई फायर एक्सटिंग रख लो वो चीजें आपको करनी जरूरी है याद रखिए उम्र के साथ अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है उसके लिए किसी प्रकार के कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है वो अपने आप वैसे रहेगा हाँ इन दैट केस यू कैन चेक योर बी ट्वेल्व लेवल्स वाइटामिन बी ट्वेल्व नर्व की फंक्शनिंग के लिए ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है बी ट्वेल्व की कमी है तो आप वो ले सकते हैं आप कुछ एंटी ले सकते हैं जैसे कि एन एनेसिटल सिस्टीन यूसिनैक आप ले सकते हैं यू कैन टेक ओमेगा थ्री यू कैन टेक मल्टीविटामस कोई विटामिन ई जिंक ये सब चीज़ें ले सकते हैं जी हाँ जिंक लॉन्ग टर्म नहीं लेना है बट जिंक ले कैन बी टेकन जिंक का अगर बहुत ओवरडोज हो जाए तब ये प्रॉब्लम होती है जिंक से मेजर कोई इशू नहीं है डोंट वरी अबाउट इट सो इसीलिए दैट इज देयर जिंक के ऊपर बेसिक हमारा एक वीडियो है कि कितना डोज चाहिए तो आप अपना अगर ले रहे हो कोरोना के चलते तो उसका डोज कंपेयर कर सकते हो कि जिंक कितना चाहिए अगर आपको रिसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है यानी कोई कोरोना वायरल बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस गले में खराशी ये सब हुआ है तो सेंस ऑफ स्मेल आपकी पक्की तौर पे वापस आ जाएगी बिना किसी ट्रीटमेंट के कतई चिंता करने की जरूरत नहीं फिर भी अगर नहीं आ रही है और सेंस ऑफ स्मेल आपकी खराब होती जा रही है या कोई अनएक्सप्लेन सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर को जाके दिखाओ डॉक्टर आपकी हिस्ट्री जोग्राफी पूछेंगे आपको सर्दी खांसी है कि नहीं देखेंगे और फिर आपका टेस्ट कराएंगे इसके लिए नाक को देख सकते हैं स्मेल टेस्टिंग होती है और फ्रैक्टरी नर्व और फ्रैक्ट्री नर्व जो स्मेल को ब्रेन तक लेके जाती है उसकी टेस्टिंग होती है ब्रेन की सी टी स्कैन एम आर आई होती है नाक के अंदर कंजेशन है तो दवाई दी जाएगी बाकी वेपोराइजर ह्यूमिडिफायर्स आपके स्टीम ना नाक का म्यूकस लूज करने के लिए दिए जा सकते हैं कुछ केसेस में स्टेरॉइड बेस्ड नेजल स्प्रेज भी दिए जा सकते हैं वाइटामिन ए कैन बी गिवन टू बाय द माउथ एज और एज अ शॉर्ट इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं और नेजल स्टीरॉयड स्प्रे जैसा मैंने कहा वो भी दिए जा सकते हैं तो ये सारी चीज़ों में आपको समझना है कि ये भाई साहब जो बीमारी है लॉस ऑफ स्मेल या इम्पैड स्मेल इसको लॉस ऑफ स्मेल को कहते हैं एनोस्मिया और इम्पैर्ड स्मेल को बोलते हैं पैरोसमिया और अगर सिर्फ कम हो गई है तो उसको कहते हैं हाइपोस्मिया ऑस्मिया यानी कि ऑस्मिया यानी स्मेल एनोस्मिया नहीं आ रही हाइपो ऑस्मिया कम आ रही पेरोस्मिया पैरोसमिया मतलब पैरोसमिया सॉरी डिसऑस्मिया डिसऑस्मिया और पैरॉसमिया पैर होता है पेरॉस्मिया मतलब कुछ और ही आ रही है अजीब स्मेल आ रही है और डिसऑस्मिया मतलब गंदी स्मेल आ रही है बस दैट इज देयर तो दैट इज देयर आप इसमें स्मेल का देख सकते हैं थैंक यू सो मच अगर कुछ सवाल है तो जरूर लिखिए और बाकी कोरोना वरोना से डरने की जरूरत है उसके ऊपर बथेरे वीडियो है जाके हमारे वीडियोस देख सकते हो बाय सी यू लेटर स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी प्लीज शेयर द वीडियोस टू एवरी एवरीबॉडी